जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। वीवो बहुत टाइम बाद अपने कोई अच्छे स्मार्टफोन को लॉन्च किया है इंडिया में। वीवो T1 5G लॉन्च हो चुका है और आप यकीन नहीं करोगे, वीवो T1 5G और वीवो Y75 5G ये दोनों सेम स्मार्टफोन है, बस प्रोसेसर अलग अलग है। 695 जो है ना, स्नैपड्रैगन का 695 डेमेसिटी 700 से बहुत अच्छा प्रोसेसर है। पूरी बात सुनना, वीवो T1 5G में स्नैपड्रैगन 695 मिल जाता है और इसका प्राइस है 15-16 हज़ार रुपए के आसपास, और Vivo Y75 5G में Dimensity 700 मिल जाता है, उसका प्राइस है 21-22 हज़ार रुपए के आसपास। तो मुझे एक क्वेश्चन है यार, Vivo आपके लिए, आप उसको क्यों 21-22 हज़ार रुपए में लॉन्च किए और Vivo T1 5G को क्यों 15-16 हज़ार रुपए में लॉन्च किए? जो बंदा Vivo Y75 5G खरीद लेगा तो उसके पैसे तो डूब जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वही सेम स्मार्टफोन हम लोगों को कम प्राइस में और अच्छे स्पेक्स में मिल जा रहा है, तो इसका कुछ सेंस नहीं बनता है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको Vivo T1 5G के बारे में सब कुछ बताऊंगा। इस स्मार्टफोन के क्या क्या ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस हैं, इस स्मार्टफोन के क्या क्या ऑफिशियल प्राइसेस हैं, ये सेल पे कब जा रहा है, इस स्मार्टफोन के क्या है प्रोस, क्या है कॉन्स, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं, और कौन कौन से अच्छे अल्टरनेटिव भी मिल जाएंगे ये भी बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सी रिमाइंडर, कल दोस्तों ऑनर अपने आईफोन 13 प्रो मैक्स को लॉन्च कर दिया था। सही सुन रहे हो, ऑनर 60 SE कल रात को अनबॉक्सिंग भी दिखा दिया था मैं और सब कुछ अच्छे से बताया था। कमाल का स्मार्टफोन है यार। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन पे दे देता हूँ, जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट करिएगा, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन अच्छा है, हाँ सही सुन रहे हो, अच्छा है। वीवो के नजरिए से कह रहा हूँ, वीवो का स्मार्टफोन होते हुए भी अच्छे स्पेसिफिकेशंस दे रहा है। यहाँ पर आपको 6.58 इंच का एक फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी पैनल मिल जाएगा 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ, 240 हर्ट्ज़ का टच समथिंग रेट मिल जाएगा 401 के पीपीआई के साथ। कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं है, कोई भी पंच होल डिस्प्ले नहीं है, ये बहुत ही बड़े माइनस पॉइंट है भाई। ये 15-16 हज़ार रुपए का स्मार्टफोन है और अपने को पंच होल नहीं दे रहा है और कोई स्क्रीन प्रोटेक्शन भी नहीं है। एटलीस्ट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का स्क्रीन प्रोटेक्शन तो देना ही चाहिए था, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज़ का TSR मिल जा रहा है, उसको देख के बहुत ही खुशी मिला अपने को, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे माइनस पॉइंट्स भी है जो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन वीवो का स्मार्टफोन होते हुए भी अपने को इतने अच्छे स्पेक्स दे रहा है। अब देखो, स्पेक्स में अच्छे इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि ये स्मार्टफोन का प्राइस काफी अच्छा लगा मेरे को, इसी वजह से, समझ गए ना। वीवो ऐसा काम करता नहीं है, बहुत ही कम करता है। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कैमरास के बारे में। तो कैमरास कुछ खास नहीं है, एटलीस्ट हम लोगों को 50-5-2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलना चाहिए था या फिर 50-8-2 का, लेकिन यहाँ पर अपने को 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग मिल जाता है। कोई भी ढंग का सेंसर नहीं है 50 मेगापिक्सल को छोड़कर। 16 का सेल्फी मिल जाता है पिल्ड ऑफ नॉच के साथ। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है UFS 2.2 के शोर सपोर्ट के साथ, LPDDR4X रैम टाइप मिल जाता है, 5000 mAh का बैटरी मिलता है, 18 वॉट के चार्जिंग को सपोर्ट करता है। कर दिए वीवो अपना यहाँ पर रंग दिखा दिए, तुम कम से कम 30 वॉट का चार्जिंग तो देना ही चाहिए था, 25 वॉट का दे देते यार, 18 वॉट बहुत ही कम है। चलो कोई बात नहीं, 18 वॉट का चार्जर बॉक्स में दे दिए, लेकिन स्मार्टफोन को ऐसा बना देते कि वो 30 वॉट के चार्जिंग को सपोर्ट करता, बंदे के पास होगा वो यूज कर लेता या फिर 30 वॉट का वीवो का चार्जर खरीद लेता आपके ऑफिशियल वेबसाइट से। ऐसा कर देते यार, Android 11 मिल जाएगा फन टच OS 12.0 के साथ, कम से कम Android 12 तो दे देते। और कूलिंग सिस्टम भी मिलता है आपको, लेकिन VC लिक्विड कूलिंग नहीं है। कूलिंग सिस्टम है लेकिन VC लिक्विड कूलिंग नहीं है, पता नहीं, कहीं भी मेंशन नहीं किया है, बस लिखा है कि कूलिंग सिस्टम है, बस यही है मेन स्पेसिफिकेशंस और बस और क्या। देखो यार, मेरे को ऐसा लगता है ना, वीवो अपने दिल पे पत्थर रखकर बहुत ही सोच समझ के इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया है, क्योंकि ऐसे ऐसे माइनस पॉइंट्स भी हैं जो ये दर्शा रहे हैं कि भैया वीवो ऐसा नहीं करना चाहता था। वीवो इसको लॉन्च करना चाहता था 20-21 हज़ार रुपये में, लेकिन वो दिल पे पत्थर रख के बोला चलो एक बार कर देते हैं, ठीक है ना। वीवो के नज़रिए से कह रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 695 मिल जाता है, सही सुन रहे हो, Qualcomm Snapdragon 695 जो कमाल का प्रोसेसर है, बहुत ही मस्त प्रोसेसर है, और Vivo के स्मार्टफोन में वो भी 15-16 हज़ार रुपए में, इम्पॉसिबल। अरे Vivo Dimensity 700 के साथ अपने फोन्स को 22-23 हज़ार रुपए में लॉन्च करता है, और वो कैसे 15-16 हज़ार रुपए में लॉन्च कर दिया। और ये जो प्रोसेसर है 6 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, एडिनो 619 का GPU मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, हाई ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग कर लोगे, डे टू डे लाइफ पे स्मार्टफोन हवा से बातें करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको जानते हो कितने 5G बैंड्स मिलते हैं? 2 5G बैंड्स मिलते हैं।
सही सुन रहे हो, दो 5G बैंड्स। यार वीवो बैंड्स को देने से पैसे में कम ज्यादा नहीं होता। बैंड्स से पैसों का कोई कनेक्शन नहीं है। बैंड्स को जितना दे सकते हो आप दे सकते हो। बैंड्स देने में पैसे नहीं लगते और बैंड्स आपको देना भी चाहिए क्योंकि इस साल के अंत तक 5G नेटवर्क आ जाएगा और गारंटी दे रहा हूँ, दो 5G बैंड से कहां से पकड़ेगा 5G नेटवर्क भाई। बाकी सारे ब्रांड्स 13 5G बैंड्स, 11 5G बैंड्स, 7-8 5G बैंड्स तक देने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो लेजेंडरी हो, आप सिर्फ दो ही 5G बैंड्स दोगे। एक काम करते, एक दे देते तो सही रहता। दो दिए कि भैया देखो हम दो दिए हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन 8.25 mm के थिकनेस के साथ आता है, 187 grams इसका वेट है। मतलब कि आप कह सकते हो कि स्मार्टफोन थोड़ा सा भारी है और स्लीक डिजाइन नहीं है, मतलब कि खाते पीते हुए घर का है। अगर आप डिजाइन वाइज देखोगे तो आपको डिजाइन नया देखने को मिलेगा और यकीन मानो ये जो डिजाइन है वीवो आने वाले अपने 15-16 स्मार्टफोन्स में यूज करेगा, समझ गए ना। और आपको कलर्स भी वही वीवो के टिपिकल वाले देखने को मिल जाते हैं जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और कैमरा हाउसिंग नया है, रियलमी के स्मार्टफोन्स का याद दिला देता है। आगे से देखोगे तो एंटी लेवल के स्मार्टफोन के जैसे लुक दे देता है, नॉच है, चिन्ह है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। बिल्ड वाइज देखोगे तो प्लास्टिक बैक के साथ आता है, प्लास्टिक फ्रेम मिल जाता है, कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं है। बिल्ड वाइज तो फालतू है, डिजाइन वाइज पीछे से देखने में अच्छा लगता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में, यानी कि प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आज इंडिया में लॉन्च हो गया है, वीवो टी सीरीज का पहला स्मार्टफोन वीवो T1 5G। हालांकि जो ओरिजिनल वीवो T1 5G था जो चाइना में लॉन्च हुआ था, जो आईक्यू Z5 के जैसे स्पेसिफिकेशंस और लुक्स दे देता था, वो तो लॉन्च हुआ नहीं। वीवो बोला हम एक ऑल टुगेदर नए वीवो T1 5G को इंडिया में लॉन्च करेंगे। खैर छोड़ो, प्राइसिंग की बात करते हैं। 3 रैम वेरियंट्स में लॉन्च हुआ है, 4GB वर्चुअल रैम मिल जाता है, 4+128GB इसका बेस वेरियंट है जिसका प्राइस है 16,000 रुपये, 16,000 रुपीज़, 15,990 रुपये। और इसके बाद 6128 के प्राइस है 16,990 रुपये, 17,000 रुपये, 17,000 रुपीज़। और 8128 का प्राइस है 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़, 19,990 रुपये। तो आपको प्राइसेस कैसे लग रहे हैं, आपके क्या ओपिनियंस है, रिएक्शंस है, कमेंट करके बताना। इतनी खुशी मुझे। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्या वाकई में हम लोगों को इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए, क्या ये वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। देखो यार ये स्मार्टफोन अच्छा है, स्पेसिफिकेशंस अच्छे दे देता है। अगर आपको वीवो का ही स्मार्टफोन चाहिए, आपका बजट है 15-16 हज़ार रुपये, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, अच्छा स्मार्टफोन है। लेकिन अगर आप अच्छे स्मार्टफोन की तलाश में हो, आपको ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, तो आप Redmi Note 11 T5G की तरफ भी जा सकते हो। इनफैक्ट थोड़ा पैसा लगा के आप Lava Agni 5G भी ले सकते हो। ये दोनों अच्छे स्मार्टफोन्स हैं। नहीं तो आप रुकोगे तो आपके लिए फायदेमंद वाली बात होगी, आपको Infinix Zero 5G मिल जाएगा, Realme 9 Pro मिल जाएगा और Realme 9 Pro Plus भी आ रहा है। तो आप पैसे बचा के अगर उनके तरफ जा सकते हो तो जाओ, नहीं तो दोस्तों आप Tecno Poa 5G की तरफ भी जा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा स्मार्टफोन है 20,000 रुपये में, कल ही लॉन्च हुआ था, वीडियो भी बनाया था मैं, आई बटन पे दे देता हूँ, जाके क्लिक करके देखो सब पता चल जाएगा। लेकिन ये भी स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है, Vivo T1 5G अपने प्राइस रेंज के हिसाब से स्पेसिफिकेशंस ठीक ठाक दे देता है। इतने अच्छे नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, Vivo के नजरिए से कह रहा हूँ, बस आपकी मर्जी, आप पे निर्भर करता है। 695 दे रहा है, 128 रिफ्रेश है, 50 का कैमरा है, बस यही कुछ चीज़ें हैं जो प्राइस को लेकर मजबूर कर देती हैं कि Vivo T1 5G एक अच्छा स्मार्टफोन है, ठीक ठाक स्मार्टफोन है। तो दोस्तों बस यही है कंप्लीट पैकेज Vivo T1 5G का। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे बातों से एग्री करते होंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, एम करते हैं 80 लाइक का, कर दो यार जल्दी से। चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको Vivo T1 5G कैसा लगा, आपके क्या ओपिनियंस हैं, रिएक्शंस हैं, कमेंट करके बताना। और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज क्रिएट करता रहता हूँ, रात को टेक न्यूज भी देता हूँ, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। With the